वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन और आज हमारे दरमियान है शेफ नाहिद और जो डिश है वो है पठानी कढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो नाहिद? ठीक ठाक। और ये बड़ी माशाल्लाह टैलेंटेड है, ये कुकिंग भी बड़ी जबरदस्त बेस्ट करती हैं और ये ब्यूटीशियन भी हैं। क्या बात है जी, आज ये पता चल गया कि खवातीन किसी भी फील्ड में हो लेकिन वो खाने बड़े मजेदार पकाती हैं। लेट्स सी, डिश का नाम है पठानी कढ़ाई। कढ़ाई तो हम इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, हम स्टार्ट करें। बताएं जरा क्या क्या डलेगा इसके अंदर। ये है कुटी मिर्च, नमक, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर हैं कटे हुए, टमाटर हैं और मिर्चें हैं, हरी मिर्च और ऑयल। ऑयल यानी कि दोबारा बता देते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे। इसमें कुटी हुई मिर्च है, हसबे जायका नमक है और लहसुन अदरक का चॉप किया हुआ है, पेस्ट किया है, पेस्ट मोटा मोटा। अच्छा जरा कुचला हुआ है। ओके हाँ सही कह रही है, जरा कुचला हुआ है, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ओके अच्छा, ऑयल ऑयल और ये गार्निशिंग के लिए एंड टमाटर भी है। अच्छा बाकी हरी मिर्च है और मजीद टमाटर काटने हैं क्योंकि इन्होंने बोला अभी जरा सा थोड़े रहने देते हैं, खूबसूरत यहाँ लुक आएगा। चिकन कितनी है इसके अंदर? आधा किलो। ओके जी, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके जी, हम इसको फ्लेम को जो है तेज करते हैं। ओके जी, अल्लाह खैर करे, लाइट आ रही है, कम आ रही है, ये लाइट बहुत कम है शहजाद भाई। ओके बहुत कम है, पीछे से जरा देखिएगा, चेक कीजिएगा। हेलो जी, जरा सा चेक कीजिए। अच्छा जब तक हम और टमाटर काटते हैं, कब से काम कर रहे हो अब ये बताओ? मुझे तो काफी अरसा हो गया, 20 साल 22 साल से ऊपर ही हो गया है ब्यूटीशियन की फील्ड में। ये के जॉब भी चलती है और कुकिंग भी और घर के काम भी। जबरदस्त, इसमें डालते जाएं। अच्छा ये आधा टमाटर छोड़ दिया था आपने, अच्छा ये इसको काट लीजिएगा। अच्छा इन्होंने जिस तरह बताया कि हमारे पास ये जो इंग्रेडिएंट्स, जैसे इन्होंने चिकन की बताया, इसका बताया, तो हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, ब्यूटीशियन बेशक हम हैं, ये देखें जी क्या बात है, जब तक मेरे भाई काम नहीं करता कोई काम ही नहीं होता। लाइव शो, यस ये आ गया हमारा बर्तन इसके ऊपर एंड देन हम लोग इसमें क्या सबसे पहले ऐड करेंगे। लो मैं काट देती हूँ जब तक आप ऐड। हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ओके ऑयल डालेंगे, यस जी। राजा नाहिद की हेल्प कर रहे हैं आज, मुझे ज्यादा देना यार नाहिद। पठानी कढ़ाई, ये पठानी कढ़ाई का आपके लिए ही है। पहले ये बताएं इसका नाम। इसलिए कि हम लोग जॉब वाले हैं तो हम लोगों को जल्दी जल्दी काम करना होता है। नहीं कढ़ाई तो मैंने बहुत सुनी और ये हेवी पठानी कढ़ाई जो हम लोग आमतौर पे देखते हैं जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट बने हुए हैं है? जैसे सोराबगढ़ वगैरह हो गए, इन साइटों पे वहाँ पे इसी तरह बनाई जाती है। सोराबगढ़ आ गया ना नाम। अच्छा जी लेट्स सी, मेरी बहन ने आज पठानी कढ़ाई का सबसे पहले ऑयल हो गया। अब क्या डालेंगे हम सबसे पहले? अब हम ऑयल डाल के थोड़े से इसमें चिकन फ्राई कर लेंगे। अच्छा फ्राई करके हम थोड़ा निकाल लेंगे। यस हम इसको क्योंकि जरा सा अच्छा गीली है, इससे पहले कि ये चिनन मिनन करे हम इसको इसमें थोड़ा पानी ना चला जाए। ओके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमने चिकन ऐड कर लिए। ओके ओके अच्छा अब ये एक तो ये झटपट भी है मैं बताऊँ। अच्छा थोड़ा सा नमक डाल दो इससे पहले कि पटाखे बजाए, और मैं बहुत डरती हूँ पटाखों से। मेरी आदत है। हाँ आप तो यूज्ड टू है और ये लाइव शो में ये ना डल जाए ज़्यादा, मैं बहुत डरती। यस अच्छा जी, जब इसका इसको लाइट क्या करने, गोल्डन हल्का सा हम इसका यानी कि फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम टमाटर फ्राई करेंगे, टमाटर के साथ लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। इन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा इसका जो है जो वाइटनेस है, इसका स्मेल सी थोड़ी सी जो होती है वो के बाद लोगों को नहीं पसंद होती, तो फ्राई होने से ये कि इसका इसमें से स्मेल दूर हो जाती है। अच्छा जी इन्होंने आज बना रहे हैं हम लोग जी, नाज़रीन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा ऑनलाइन आप कुकिंग करते हो? जी हाँ। किस नाम से कुछ अगर आपको कोई इंटरेस्ट? हाँ अच्छा, इन्होंने अभी कुछ सोचा नहीं क्योंकि ये बड़ी ब्यूटीशियन बहुत अच्छी है ना, इन्होंने कहा अभी ये प्लानिंग की है इन्होंने, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इनकी भी एक फेसबुक आईडी होगी तो आप उनकी कुकिंग वहाँ जाके देखिएगा। मेरे पेज की ब्यूटीशियन के पेज की आईडी है। हाँ बताए ना लोग आपसे फैंसी रोज है मेरे पेज का। जबरदस्त, एक दिन आपने यहाँ पे ब्राइड भी बनाना है इंशाल्लाह। ब्राइड क्या है, मैं हर चीज सिखाऊंगी कि ये मैं वाजिद खान के उसमें रही हूँ। माशाल्लाह अरे वो तो बड़े माशाल्लाह सीनियर ब्यूटीशियन है यार। और ये जबरदस्त। अच्छा ये बताओ ये मुझे ये आपने हरी मिर्च कैसे काटनी है? इसको मैं साबुती रखूंगी। अच्छा ओके, हल्का सा चॉप करूंगी। ओके और दो तीन हम पहले डाल देंगे और बाकी हम हाफ आखिर में डालेंगे। ओके हमने इसको सिर्फ कट लगाना है हल्का। ओके
सारे काम उससे ले रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। जल्दी जल्दी हो जा भाई, जल्दी जल्दी हो। नहीं, मैं लेट कर दूँगी। ओके, साथ साथ मैं कुछ बेनिफिट्स बता दूँ जिंजर का और अदरक का, क्योंकि अभी एक और चीज़ है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है और डे बाय डे मैंने देखा है कि लोग जो है, कल भी माशाल्लाह हर्बलिस्ट जो हमारे दरमियान रज़ा इलाही साहब थे, उन्होंने कहा था कि जिनका इम्यून सिस्टम, क्योंकि अभी मच्छर काटने से बहुत बीमारियां हो रही हैं, अल्लाह पाक सबको अपने गुमान में रखे, तो प्लीज़ आप जो है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो उन्होंने कल भी बताया था कि ग्लूकोज लें और उसके अंदर एक चुटकी जैसे जो अपने पानी के हिसाब से नमक ऐड करें और थोड़ा सा लीमू, उससे क्या होगा कि आपका जो है उसको इनटेक करें, आपके अंदर थोड़ी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड हो आपको और आपके पर जो चीज़ें कुछ अफेक्टिव हैं वो जो जरासीम है वो ना ज़्यादा हो। चले जी, इन्होंने काफ़ी हद तक डन कर लिया, टाइम का मतलब जल्दी जल्दी करें। कितना रह गया? ओके, अरे पानी भी खुश्क हो रहा है। ये यार क्विकली डिश नहीं है। हाँ, ये क्विकली, और मेरी कोशिश ये होती है मैं हर खाना जल्दी बनाऊँ। इसको दोबारा निकालना है? नहीं, ये बाद में हम टमाटर, जब टमाटर का पेस्ट बनाएंगे ना, ओके, उसमें फिर डालेंगे हम। अच्छा, फिर उसमें गलाएंगे हम। ओके, ठीक है। जो इसका थोड़ा बहुत, इसका सिर्फ इन्होंने कलर चेंज किया है और स्मेल दूर करने के लिए पानी ज़रा सा ड्राई किया। ओके, और ये चिन मिन कर रही है। ओके, सब निकालनी है चिकन जी? ओके, सपोर्ट के लिए ले लो, निकालनी है फटाफट निकाल लो। ओके, हमारे पास 6 मिनट रह गए हैं गुड़िया, ज़रा सा जल्दी, ठीक है? ओके, हाँ 6 मिनट रह गए, हम चाह रहे हैं कि आप क्विकली बता दें और फिर हम इसको पका लेंगे, ठीक है? ये हमने सबसे पहले टमाटर ऐड किए, वाओ जबरदस्त। और नेक्स्ट तेज हो जाएगा? ओके, और तेज हो जाएगा? और तेज करना? नहीं, बस इससे ज्यादा नहीं करिए, इसका फ्लेम वैसे ही बड़ा तेज होता है, धुएं की स्टूडियो पूरा धुआंधार हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे। मैंने कट लगा दी। हाँ, इसलिए डालेंगे कि इसकी स्मेल अच्छी सी आएगी, फिर अच्छा ये गल जाएगी ना, अरोमा इसका जबरदस्त। बस बस बस, ओके जी, वो लास्ट में इन्होंने मेंशन कर दिया। और आता है फ्लेवर, हरी मिर्चों का आता है अच्छा फ्लेवर, इसका प्यारा लग रहा है, लाल और हरा। अभी अभी देखिएगा जब ये बनेगी तो। मेरी कोशिश होती है सामान ज़्यादा ना डालूँ। अच्छा, हाँ मैं कोशिश ये करती हूँ ज़्यादा मसाला, ये पूरा इसको वो करना है या थोड़ा? ये गलेगा बिल्कुल, पानी इसका खुश्क होगा। हाँ, ओके, ये इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओके, हम इसको थोड़ा, इन्होंने कहा कि पानी ज़रा इसका थोड़ा सा, हाँ हाँ ये कैप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हो गया इसको, अब इसको कितनी देर लगेगी? बस इसको हम गलाएंगे और उसका पानी खुशक करना शुरू कर देंगे। ओके जी, हम फिर अब क्या बात करें ये बताएं, मुझे बताएं, अब आप हमें बताएं कुछ अच्छी अच्छी टिप्स बताएं किचन से रेलेवेंट, जिससे खवातीन जो हैं वो जो फ़ायदा हासिल कर सकें वो बताएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा होता है कि अर्जेंट होता है, किचन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अब हम सोचते नहीं है तो हम किस तरह पकाएं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि नहीं है तो उसी में लज्जतदार खाना बनाया जाए। वो बताएं ना कैसे, ये भी तो है। अभी ये देखिए, मैंने ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डाली हैं और मेरे हर खाने में कम यानी कि मसाला होता है मगर टेस्ट होता है। वही मैं देख रही हूँ कि कुछ ज़्यादा नई चीज़ें होती ज़्यादा। ओके, और कम चीज़ों में ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। ओके, हनी इधर टाइम कम है मेरा सोना, जल्दी से इसको हम क्लोज करते हैं। शाबाश, अभी अब लाइव शो है ना, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अभी हम लोगों को इसको ज़रा कम्प्लीट करना है। पानी सारा छूट गया है, अब हम इसको जल्दी से, ओके, ये टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो गए। ओके, बिल्कुल 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 ठीक है, जूसी हो गया भाई, जूसी हो गया, जबरदस्त। चलिए इसको भी हम बस कोशिश करके वो कर देंगे। नहीं नहीं, वो उसका फ्लेवर आगे कट से ना। अब इसमें हम ऐड करें मजीद मसाले, आप अपने हिसाब से मिर्ची ले सकते हैं। बहन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं, जिगर जलने लग जाता है, डर लगता है, ये लीजिए। ठीक है, नमक आपने डाल दिए? ओके, ठीक है, अब हम लहसुन, नमक थोड़ा डला होगा मुझसे? नहीं नहीं, मैंने भी डाल दिया था। बस फिर ठीक है, आपने भी डाल दिया, मैंने भी डाल दिया। ओके गुड, बाद में चेक करेंगे। और हमारे पास अब क्या रह गया? बस कुछ भी नहीं। और वाह यार, नहीं तुमने तो सरप्राइज कर दिया। बस इसको भुनेंगे, भुनने हल्की सी भुनाई जब हो जाएगी तो हम चिकन डाल देंगे। ओके, चिकन डालने के बाद खूब अच्छी तरह से इसको भून के ये रेडी हो गई, इसमें मिर्ची डाल देंगे। जबरदस्त,
ये वो कढ़ाई है जो आप लोग बड़ी महंगी खाते हैं जाकर। अपनी खाऊंगी ये वो कढ़ाई है, अपनी खाऊंगी। अच्छा अब हम चिकन ऐड कर देंगे। यस अब हम चिकन जल्दी पानी भी खुशक होने वाला है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये चिकन गल जाएगी। वाह भाई वाह, जबरदस्त, ग्रेट। और हमने नाजिन अभी जो से शेफ नाहिद हमारे साथ हैं और जिस तरह इन्होंने माशाल्लाह क्विकली जो है पठानी कढ़ाई जो है रेडी कर ली। इसमें चाहे तो आप कोयला गरम करके, चाहे क्या मतलब है रखा करो कोयले, कोयला कढ़ाई बना सकते हैं। अच्छा ये कोयला कढ़ाई है, नाम रख के कोयला कढ़ाई बना दो। चलिए जी हनी इसको ऐड कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको एंड कर दें। ठीक है हम डाल देते हैं जी, ये हो गया, हमने इसको ऐड कर लिया। देखें और क्या लुक आ रहा है यार, जबरदस्त। अच्छा डिपेंड ऑन यू कि आप इसको मजीद ब्राउन भी कर सकते हैं, आपकी ये जितना भुनाई होगी ना इतनी खूबसूरत ये कढ़ाई होगी। लाइक शो ना हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा और टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा होगा। और जब हम इसको बना लेंगे ऊपर से हम ये बारीक बारीक अदरक इसमें डाल देंगे। यार कसम से बड़ा प्यारा लुक आ रहा है इसका, आप लोग तो स्क्रीन पर ना देखें यार कितना प्यारा लग रहा है। और वैसे भी मैं एक बात बताऊँ, ये चिकन में होती है प्रोटीन, ठीक है। और ये वो लोग जो है ना ऐसे आप लोगों को डाइवर्ट करते रहते हैं कि ऐसा है तो वैसा कुछ नहीं, आप अपने अपनी डाइट में यू बिल्कुल चिकन यूज़ करें और वाइट मीट कहलाता है। और दूसरा है कि अब इसमें भी वेजिटेबल, ये टमाटर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और ये सब्जी है, ठीक है। अच्छा हम इसको यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, टाइम ओवर हो गया थोड़ा। मैं कह रही हूँ इसको यहीं पर ही गार्निशिंग में तो ये डले मैंने इसको रहने दें और थोड़ा सा आप इसके अंदर डाल दें वो तो हम इसको एंड कर। यस और बाकी इसको आपने पकने छोड़ने, ड्राई करना है ना पूरा, ड्राई करना है बिल्कुल ही। ये हम लोग आपको लुक दिखा रहे हैं डार्क, आपने पूरा सुखाना है इसको ऐसा ही है ना, पूरा इसको ड्राई करना है। लेकिन मैं इसको एक मिनट और मैं करना चाह रही थी नाजिम, यकीन करें जब ये ड्राई होगी ना इसका लुक बड़ा बिल्कुल रेड एकदम हो जाएगी। यमी 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 यमी। चले जी हम इसको यहाँ एंड करते हैं। नाइट कैसा लगा चंदा आपको यहाँ पर आना? बहुत अच्छा लगा, मजा आया जी। फिर दोबारा आओगी इंशाल्लाह और ब्यूटी सेगमेंट में इंशाल्लाह ब्यूटी और भी बहुत सी चीजें। अच्छा और भी सरप्राइज होगी मुझे इंशाल्लाह। चले नाजीन हम लोग यहाँ पर एंड करें, ये आपने इसको फिर मजीद जो हमने अभी हरी मिर्च और थोड़ा उठा रही जब ये बिल्कुल ड्राई जो ये आप लोगों के लिए सिर्फ के एंड हो रहा है इसलिए हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। नहीं आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मेरी शहजादी। तो ये बताएं नेक्स्ट टाइम आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं सभी कुछ अच्छा बनाती हूँ, कोई तो डिश होगी जो तुम समझती हो। मुझे बार बार कह रही थी बिरयानी बहुत अच्छा, बिरयानी बहुत ऐसा कह रही थी ना जी। तो ये बताएं इसका मतलब बिरयानी बहुत अच्छा, कौन सी बीफ या चिकन? अभी ये खाएंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर नहीं पहले मतलब बीफ बिरयानी अच्छी बनाती हूँ चिकन? सभी 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 जाओ सभी सभी होता है। चलो लेट्स सी, आपका बहुत बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ आना, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम आपको फिर एक बार फिर मौका देंगे अपने मॉर्निंग शो में। जी नाज़रीन यहाँ पर हम लोग इजाज़त चाहेंगे एंड देन पठानी कढ़ाई अब इसको ड्राई होगी तो आप घर में यू मस्ट बी ट्राई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी उबरते सूरज की तरह। मुझे दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।